बिहार में 10 दिन के अंदर ही 5 पुल धराशायी हो गए। राज्य के अररिया, सिवान, पूर्वी चंपारण, किशनगंज और मधुबनी जिलों में पुल गिरे हैं। 10 दिन में 5, कैसे, क्यों? सवाल यह उठता है कि पुल बना है या फिर खाना पूर्ति हुई है? इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई हुई है? किसे टेंडर मिला? मटेरियल सही से इस्तेमाल किया गया या नहीं? जो स्टैंडर्ड है उन्हें फॉलो किया गया या नहीं? ये सवाल है जो उठाए जा रहे हैं, क्योंकि पुल गिरना कोई मामूली बात नहीं है और यहाँ तो 10 दिनों में ही 5 पुल एक दूसरे से बात कर रहे हैं क्या कि तुम गिरो तो अब हम गिर जाते हैं। यह अपने आप में गंभीर मामला है, सरकार पर सवालिया निशान है। बिहार में पुल गिरने की घटना पहली बार नहीं हुई है, लेकिन ये पहली बार है कि 10 दिन के अंदर ही 5 पुल गिर गए, हर 2 दिन के बीच में एक ऐसा अगर देखा जाए तो। बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने सरकार पर तंज कसते हुए इस पूरे मामले पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रहनुमाई और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई में 6 दलों वाली डबल इंजनधारी एनडीए सरकार में पुल के गिरने से जनता के स्वाहा हो रहे हजारों करोड़ को स्वघोषित ईमानदार लोग भ्रष्टाचार न कहकर शिष्टाचार कह रहे हैं। वहीं राज्य के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने इस पूरे मामले पर कहा है कि ग्रामीण कार्य विभाग के पुल हैं, इनकी समीक्षा की जा रही है। वो यानी कि तेजस्वी यादव भी लंबे समय तक पथ निर्माण और ग्रामीण कार्य विभाग भी संभाले हुए थे, वो अपनी जिम्मेदारी से क्यों पल्ला झाड़ रहे हैं? हमारी सरकार सजग है, हम इसको निगरानी और कार्रवाई कर रहे हैं। पुलों की तकनीक और डिजाइनिंग की भी जांच कराई जाएगी, लेकिन सवाल यह है कि ये जिम्मेदारी किसकी है? बिहार में इस तरह से पुल गिरने को लेकर सियासत गर्म होने के पीछे की एक बड़ी वजह यह भी है कि राज्य में लगातार इस तरह की घटना हो रही है। बिहार में बीते 4 साल में इस तरह से करीब 10 पुल हादसे हो चुके हैं। बिहार में पिछले साल गंगा नदी पर बन रहे पुल का एक हिस्सा भी गिर गया था। ये पुल करीब 1800 करोड़ की लागत से भागलपुर जिले के सुल्तानगंज और खगड़िया जिले के अगुवानी नाम की जगह के बीच में बन रहा था। पुल गिरने की इस तस्वीर को बड़ी संख्या में लोगों ने सोशल मीडिया पर शेयर किया था और सरकार के कामकाज पर भी सवाल उठाए थे। वहीं अभी की बात करें तो 5 पुल में से 3 पुल पे अभी काम चल रहा था और 2 बने हुए पुल थे जो गिरे हैं। ग्रामीण कार्य विभाग के पुल सलाहकार इंजीनियर बीके सिंह ने बीबीसी से बातचीत में ये दावा किया कि अररिया में बकरा नदी पर जो पुल गिरा है उसको छोड़कर बाकी सभी एक्सीडेंटल है। उनका कहना है कि बकरा नदी पर बन रहे पुल मामले की जांच के लिए 4 सदस्यीय जांच दल ने सैंपल भी इकट्ठे किए हैं, जिसको जांच के लिए IIT पटना और NIT पटना भेजा गया है। अब ये समझना जरूरी है कि 10 दिन के अंदर जो 5 पुल गिरे हैं वो कहां कहां गिरे हैं और कैसे गिरे हैं। दरअसल सबसे पहले बीते 18 जून को अररिया जिले में सिकटी प्रखंड में एक पुल गिरा था। यह पुल अररिया के ही 2 ब्लॉक सिकटी और कुर्सा कांटा को जोड़ने के लिए बन रहा था। 18 जून को दोपहर तकरीबन 2 बजे सिकटी के पंडिरिया घाट के पास बने इस पुल के 2 पाए पूरी तरह से धस गए और 6 क्षतिग्रस्त हो गए। बारिश से बकरा नदी का जलस्तर बढ़ गया था और पुल इसका दबाव झेल नहीं पाया और उद्घाटन से पहले ही गिर गया। ये पुल अगर बन जाता तो लाखों की आबादी को फायदा होता। साल 2011 में बकरा नदी पर 11 करोड़ की लागत से ये पुल बनना शुरू हुआ था, जिसकी जिम्मेदारी बिहार पुल निगम के पास थी। इसमें कम से कम 1 मजदूर की मौत हुई है और 10 अन्य घायल हो गए। इसके बाद 22 जून को सिवान में गंडक नहर पर बनी पुलिया ध्वस्त हो गई। महाराजगंज और दरौदा प्रखंड को जोड़ने वाली ये पुलिया 34 साल पुरानी थी। ये पुलिया 2 पंचायत पडेढ़ा और रामगढ़ को जोड़ती थी। यह 20 फुट लंबी थी। गंडक नहर में पानी आया तो भरभराकर ये गिर गई। अच्छी बात ये रही कि पुल के गिरने के टाइम उस वक्त वहां पर कोई मौजूद नहीं था। वहीं 22 जून की ही रात को पूर्वी चंपारण के घोड़ा सहन प्रखंड के अम्बा में निर्माणाधीन पुल गिर गया। लगभग 1.5 करोड़ की लागत से बन रहा ये पुल अम्बा से चैनपुर स्टेशन जाने वाली सड़क पर बन रहा था। आलम यह था कि शाम को इस पुल के ऊपरी भाग की ढलाई हुई और रात होते ही ये भड़बड़ा कर गिर पड़ा। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत ग्रामीण
कार्य विभाग ने इस पुल का टेंडर धीरेन्द्र कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड को दिया था, जो पूर्वी चंपारण के मुख्यालय मोतिहारी बेस्ड कंपनी है। बताया जाता है कि इसका बहुत खराब कंस्ट्रक्शन हो रहा था। स्थानीय लोग लगातार इसकी शिकायत भी कर रहे थे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। आखिर में पुल गिर गया। घोड़ा सहन के बाद 26 जून को किशनगंज जिले में मरिया नदी पर बना 13 साल पुराना पुल धंस गया। जिले के बहादुरगंज प्रखंड के गुआबाड़ी पंचायत के पास ये पुल मूसलाधार बारिश के चलते धंस गया है। इस पुल के धंसने से तकरीबन 15 गांव की आबादी प्रभावित हो गई है। किशनगंज में पुल धंसने के बाद 28 जून को मधुबनी के झंझारपुर अनुमंडल के मधेपुर प्रखंड में भुतनी बलान नदी में एक जो पुल बनाया जा रहा था, पुल का गार्डर गिर गया। लगभग 3 करोड़ की लागत से बन रहा ये पुल मधेपुर प्रखंड के भेजा कोसी बांध से महापतिया जाने वाली सड़क को जोड़ता। दिलचस्प ये है कि इस मामले में पुल में कंस्ट्रक्शन का काम ही मानसून के वक्त में हुआ है। अब सवाल ये उठता है कि कैसे पुल गिरते जा रहे हैं और मानसून के वक्त कैसे इसे बनाया जा रहा है। माना जाता है कि बीते कुछ सालों में बिहार में पुल बहुत बने हैं, लेकिन उनके रख रखाव की नीतियों में खामी रह गई है। पुल में 2 महत्वपूर्ण पॉइंट होते हैं। पहला, एक्सपेंशन ज्वाइंट, जिसकी बार बार सफाई होती रहनी चाहिए, और दूसरा बियरिंग, जिसको लगभग जो 10 सालों तक लगभग चलता है, और कायदे से इसे 10 साल के बाद बदलना या रिपेयर करना जरूरी होता है। ऐसा लगता है कि ये दोनों काम नहीं हो रहे थे। वहीं मानसून से पहले पुल का स्ट्रक्चरल ऑडिट होना चाहिए, जिसके लिए बाकायदा इंडियन रोड कांग्रेस की गाइडलाइंस है। पुल गिरने की वजह ये भी मानी जाती है कि भ्रष्टाचार और इंजीनियर्स में अनुभव की कमी। जैसे अभी जो पुल मधेपुर में गिरा, उसकी वजह गलत वक्त पर गलत काम था, यानी कि मानसून आया हुआ है और बीम की ढलाई 3 दिन पहले हुई है। इसी तरह घोड़ा सहन में शटरिंग फेल्योर के चलते और सिवान में पुल की आखिरी हिस्से में मिट्टी कटाई के चलते पुल का फाउंडेशन बैठ गया। लेकिन पुल की देख रेख किसकी जिम्मेदारी है? बिहार में इस तरह से पुल गिरने को लेकर सियासत गर्म होने के पीछे की बड़ी वजह राज्य में लगातार इस तरह की घटना हो रही है। लेकिन ये पूरा जो मैनेजमेंट है, जिस तरीके से बारिश आ रही है और बारिश के वक्त ही कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो ऐसे में पुल का गिरना लाजमी है। और बिहार जैसे राज्य में जहां जो बाढ़ प्रभावित माना जाता है कि बाढ़ बहुत जल्दी आ जाते हैं, और पुल जो है वहां का बहुत बड़ा काम करता है, क्योंकि पुल जो है एक 2 गांव को जोड़ने का काम करता है, और ऐसे में गांव की जो आबादी होती है, जो एक दूसरे पुल से कनेक्टेड होते हैं, और अगर पुल अगर टूट जाता है तब भी वहाँ की जो सप्लाईज होती है, जैसे कुछ सामान इधर मिलता है, कुछ सामान पुल के इधर मिलता है, तो ऐसे में पुल एक महत्वपूर्ण पिलर होता है कि दोनों गांवों को जोड़ने के लिए। ऐसे में अगर काम ज़रूरी पड़ता है गांव वालों को, तो वो किसी भी तरीके से नाव के ज़रिए या फिर दूसरे तरीके से नदी को पार करने की कोशिश करते हैं किसी भी तरीके से, और अपनी जान को जोखिम में भी डालते हैं। एक तरह से देखा जाए तो ये जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर है, ये बहुत पीछे लेकर के चले जाते हैं किसी भी गांव को या किसी भी शहर को। और इस तरह के जो हादसात होते रहते हैं, इससे न सिर्फ बिहार ही, बल्कि बिहार का एक एक गांव जहां जहां पुल गिरते हैं, वो भी कहीं ना कहीं पीछे की तरफ चला जाता है। तो ऐसे में सरकार को इस पूरे मामले पर ध्यान देने की ज़रूरत है।